ओम शांति। आज की तारीख है 19/3/23 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त अव्यक्त बाप दादा के द्वारा। तो आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों की नेचर यानी स्वभाव। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नूंधा हुआ है। आज बाप दादा हरेक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हरेक बच्चे को देख वह बच्चे ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। हाँ बाप दादा, हम बच्चों को देख के कितने खुश होते हैं वह बात बताई। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या फिर कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। बाबा पूछ रहे हम बच्चों से, बस स्मृति में लाने से ही अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः ही रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन ही अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा। हाँ, जीवन भी विशेष ही होगा। विशेष जीवन होगा या साधारण होगा, ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मणों के जन्मदाता ब्राह्मण धर्म स्थापक सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सदा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे वरदान। तो वरदान देते हुए परमात्मा शिव पिता बोले कि सर्व रूहानी खजानों से संपन्न माना भरपूर,
तो सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। तो दाता शब्द संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को भी बनाएंगे। रूहानी सेवादारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर वही बन सकते जो संपन्न है, संपन्नता ही संतुष्टता होगी और सबको वही संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। अच्छा स्लोगन है शुभ भावना, शुभ कामना। ये गोल्ड गिफ्ट साथ में हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा ओम शांति।